रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। बीजेपी सरकार के 4.5 साल पूरे, आज सीएम योगी आदित्यनाथ पेश करेंगे रिपोर्ट कार्ड। आज यानी 19 सितंबर को प्रदेश की योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। चुनाव से पहले सरकार जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेगी। इसके लिए योगी सरकार ने 4 साल पूरे होने पर एक बुकलेट भी छपवाई गई है। बुकलेट में विकास की ढेर सारी बातें हैं, लेकिन उन सब पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की भगवान श्री राम के साथ ही साथ छपी तस्वीर है। बीजेपी विकास के नारे तो लगा रही है, लेकिन सहारा राम का ही है। कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका, ललितेश पति त्रिपाठी के इस्तीफे की चर्चा। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है। बीते दिनों कांग्रेस के दिग्गज ब्राह्मण नेता जितेन प्रसाद के बाद अब कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ललितेश पति त्रिपाठी के भी इस्तीफे की चर्चा है। कहा जा रहा है कि वे कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। कांग्रेस से विधायक रहे ललितेश पति त्रिपाठी पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के परपौत्र ललितेश पति त्रिपाठी की 4 पीढ़ियों का कांग्रेस से पुराना नाता रहा है, जिसके चलते ललितेश पति त्रिपाठी भी न सिर्फ गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं, बल्कि ललितेश पति त्रिपाठी कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी के यूपी दौरे पर अक्सर उनके साथ नजर आते हैं। बीजेपी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सीएम योगी का हमला। लखनऊ अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। यूपी बीजेपी प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर वोटरों को रिझाने में जुटी हुई है। लखनऊ में शनिवार को हुए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर हमला बोला, साथ ही हिंदू देवी देवताओं पर कमेंट करने वालों पर भी निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा, देश में आपदा के समय एक पार्टी के लोग इटली भाग जाते हैं। देवी देवताओं पर टिप्पणी, राम कृष्ण को नकार जाना उनकी प्रवृत्ति का हिस्सा है, जो एक्सीडेंटल हिंदू होगा तो यही होगा। सीएम योगी शनिवार को पुरनिया स्थित पंचायती राज निदेशालय के सभागार में उत्तर विधानसभा के क्षेत्र के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। प्रियंका का योगी सरकार पर निशाना, कहा आंकड़ों से बताया गया क्राइम। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए संगठन को मजबूत करने से लेकर जनता से सीधे जुड़ने की रणनीति पर काम कर रही है कांग्रेस। इसके तहत उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के चेहरे के साथ पार्टी अपने जर्जर संगठन को एक बार फिर से मजबूत बनाने की कवायद में जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सूबे की सत्ताधारी योगी सरकार को सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक घेर रही है। अखिलेश बोले, यूपी से होकर जाता है दिल्ली का रास्ता। विधानसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने का दावा। लखनऊ मिशन 2022 के लिए उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और इसलिए आगामी राज्य विधानसभा चुनाव लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे को बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि अगले वर्ष होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 403 सीटों में 400 सीटें जीतने जा रही है। अखिलेश यादव ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और इसलिए आगामी चुनाव लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे को बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण है। संजय सिंह ने पूछा, कौन सी मशीन है कि सबका डीएनए चेक कर लेते हैं योगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के 300 यूनिट फ्री बिजली देने और बकाया बिजली बिलों को माफ करने के चुनावी वायदे से प्रदेश की भाजपा सरकार बौखला गई है। उन्होंने कहा है कि ये कोई कोरा वादा नहीं है, बल्कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने इसे करके भी दिखाया है। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी के 300 यूनिट बिजली फ्री करने और बकाए बिल माफ करने के वादे पर यूपी कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही प्रदेश की जनता को मुफ्तखोर और लालची बताकर उसका अपमान कर रहे हैं। अयोध्या में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने दिया मंत्र, कहा सिर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, सीने में आग और पैर में रखे शक्कर। शनिवार को भाजपा नेताओं ने पिछड़े वर्ग के लोगों को साधने की भरपूर कोशिश की। अवध विश्वविद्यालय के संत कबीर सभागार में आयोजित पिछड़ा मोर्चा की राज्य कार्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए मोदी सरकार की ओर से किए गए कार्यों को साझा किया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं को सिर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, सीने में आग और पैर में चक्कर का मंत्र दिया। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 पर अब हर पोलिंग बूथ पर लगेगी वीवीपैट। जिसको दिया है वोट इस राज का हो जाए।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 करीब आ गया है। चुनाव आसानी से हो जाए इसके लिए सरकार तकनीकी तैयारियों में जुटी है। चुनाव 2022 में पहली बार यूपी के प्रत्येक पोलिंग बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ वीवीपैट मशीन भी लगाने जा रही है, जिससे आपको और सरकार को यह पता चल जाए कि वोट किसको दिया है। वीवीपैट मशीन में ऐसी व्यवस्था है कि वोट देते ही मशीन से एक पर्ची निकलती है। इस पर्ची में किसको वोट दिया है ये दर्ज होता है। अगर इस पर्ची को आपने नहीं लिया तो ये साथ ही में लगे बास्केट में गिर जाएगी। भाजपा साजिशन जनहित से इधर मुद्दों को देती है हवा। अखिलेश समाजवादी पार्टी सभा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठे वादों से भ्रमित करती है और साजिशन जनहित से इतर मुद्दों को हवा देती है। यादव ने शनिवार को कहा कि भाजपा के राजनीतिक स्वार्थ साधन का एजेंडा वैक्सीनेशन को भी इवेंट बना देना है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन को विकास उत्सव बनाकर भाजपा को कौन संदेश देना चाहती है। शुरू से ही भाजपा की नीयत राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति की दिखाई देती है। वैक्सीनेशन को भी भाजपाई रंग देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगाई जा रही है। योगी के नेतृत्व में दोबारा बनेगी भाजपा की सरकार। राणा उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने शनिवार को दावा किया है कि 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे के मद्देनजर लालगंज लोकसभा क्षेत्र के अतरौलिया बाजार स्थित डाक बंगले पर राणा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास कार्यों की जो चर्चा आम जनमानस में, उससे यह साबित हो गया है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी अधिक सीटों के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।